हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सागर और आज की जो मेरी वीडियो है वो है IIT दिल्ली में। जी हाँ जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में जो है वो कुछ कंट्रेक्चुअल बेस में जो वो रिक्रूटमेंट आई है। सो जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है जो वो है IIT D/IRD/183/2020 और जो एडवर्टाइजमेंट जी पब्लिश हुई है जी हुई है 1 दिसंबर। जी हाँ बिल्कुल, इसी मंथ के जो फर्स्ट डेट है उसमें जो पब्लिश हुई है एडवर्टाइजमेंट। सो देखते हैं किस तरह की एडवर्टाइजमेंट है और किस तरह की जो पोस्ट यहाँ पे और कंसोलिडेटेड सैलरी जो होगी कंट्रेक्चुअल के लिए वो किस तरह से मिलेगी। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी है जो प्रोजेक्ट अपॉइंटमेंट जो है अंडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आप एप्लीकेशंस जो लग रही हैं वो प्रोजेक्ट की अपॉइंटमेंट्स के लिए लग रही है। जी हाँ बिल्कुल, जो कंट्रेक्चुअल बेसिस में स्टाफ जो है इसका लगेगा। सो फर्दर देखते हैं क्या क्या पोस्ट रहेंगी यहाँ पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की यहाँ पे 2 पोस्ट हैं और जिसकी कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पे बता दी गई है 32,000 से 35,200, देन 38,400 आपको मेरी डिस्प्ले में दिख रहा है। विद HRA 20% जो है वो आपको मिलेगा और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है MTech होने चाहिए आप फर्स्ट क्लास और या फिर इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर अगर आप MBA क्वालिफाई हैं साथ में आपका BTech हुआ है और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, सो आप एलिजिबल रहेंगे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। सो जो टाइटल है जो प्रोजेक्ट का आप देख सकते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज जो रहेगा। और सामने फंडिंग एजेंसी है जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आप प्रोजेक्ट जो इन्वेस्टिगेटर होंगे वो होंगे प्रोफेसर मिस समीता कशीर मका और डिपार्टमेंट सेंटर जो रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रहेगा। ड्यूरेशन रहेगी जो इसकी अप टू मार्च रहेगी। जी हाँ बिल्कुल, अगले साल आप मार्च तक जो है वो इस पे एज ए कंट्रेक्चुअल वर्क कर सकते हैं डॉक बेस में। सो आगे देखते हैं किस तरह की वैकेंसीज और हैं। सीनियर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, पे स्केल आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड किस अकॉर्डिंगली मिलेगा। इसके लिए आपको PhD होना जरूरी है विद फर्स्ट क्लास जो आपका डिग्री होनी चाहिए और या फिर आप MTech हैं अगर आपकी डिग्री फर्स्ट क्लास है, या फिर अगर आपके पास इक्विवेलेंट कोई और डिग्री है और 4 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, या फिर आप BTech MSc और MBA फर्स्ट क्लास आप पास हैं विद 6 ईयर एक्सपीरियंस, सो आप सीनियर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बता दूं इसमें भी जो है 2 पोस्ट जो है पब्लिश कर दी गई है थ्रू इस एडवर्टाइजमेंट के। देन फर्दर बात करेंगे प्रिंसिपल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की, तो यहाँ पे भी देखिए आप पे स्केल बहुत बढ़िया है, यहाँ पे स्केल दिखाया जा रहा है कंसोलिडेटेड। इसमें भी आपको PhD चाहिए और जो है आपकी डिग्री वो होनी चाहिए आपके पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में और 10 साल का एटलीस्ट आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करेंगे, यहाँ पे 1 पोस्ट है और कंसोलिडेटेड सैलरी आप देख सकते हैं किस तरह की सलाह बता रहे हैं। यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास 8 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस होना आपके पास जरूरी है, अगर आप MBA हैं तो आपके पास तो भी एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सो आप देख सकते हैं जी एडवर्टाइज PDF का जो लिंक होगा वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटबुक के किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। उसको आपको डाउनलोड करना है फॉर्म नंबर IRD/REC4 जो आपको IRD वेबसाइट से मिल जाएगा जो है www.ird.iitd.ac.in, जो आपको जो PDF से जो सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। सो इसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 दिसंबर। जी हाँ बिल्कुल, 14 दिसंबर को इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट की वो रहेगी। सो आपके पास यहाँ पे अभी भी जो है आपके पास 9 दिन बाकी हैं इस एडवर्टाइजमेंट में फॉर्म फिल करने के लिए। सो जो कैंडिडेट्स या जो अनएम्प्लॉयड यूथ, अभी मैं कहना चाहूंगा वापस कहूंगा एक बार फिर से, जो अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पे हमारे JNK में बैठा हुआ है सो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कि वो यहाँ पे अप्लाई करें। और एटलीस्ट मैं बहुत सी वीडियोज देख रहा हूँ और बहुत से फेसबुक में पोस्ट देखता हूँ जिसमें वो काफी ज्यादा इस तरह से मैसेजेस आते हैं कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। वैसे हर बंदा या कोई भी कैंडिडेट होगा जो हायर क्वालिफिकेशन लेकर होगा बट उसके पास अगर जॉब नहीं है या फिर कहीं पार्ट टाइम जॉब नहीं है उसके पास, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिल्ली दे रहा है उनको, तो जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जो है फ्यूचर के लिए एक्सपीरियंस एक रहेगा उनका IIT दिल्ली में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फर्दर मेरे को बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं जो JKSSB में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं, सो डेफिनेटली मैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत से यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शंस में अलग से कमेंट्स में भी आ रहे थे कमेंट कि आप सर सिलेबस को डीप से बताइए और डिफरेंट जो सेक्शंस हैं कुछ कह रहे थे डिफरेंट सेक्शंस में हर कोई क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस उसको सॉर्ट आउट कीजिए। सो बिल्कुल डेफिनेटली मैं इंग्लिश में आऊंगा और मैं आपको इवन अगली वीडियो में अपना JKSSB जो 40 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है CBT 15 तारीख को उसके ऊपर डीप बताऊंगा कि किस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से आप उस एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली वीडियो के साथ बने रहे और चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया JK जॉब्स अपडेट पॉइंट और साथ में ही बेल आइकन को दबा दे ताकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब नोटिफिकेशंस हो उसकी अलर्ट जो है आप तक पहुंच सके। साथ में स्कीम्स का भी मैं डिस्कस करूंगा अपनी फर्दर वीडियोस में। थैंक यू सो मच।